आज भारत को नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में युवा वर्ग से जुड़े हुए पंत प्रधान मिले हैं। मोदी जी पूरे भारत में पहले ऐसे नेता है जिन्होंने युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पहचाना, युवा वर्ग के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी के सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे उपक्रम शुरू किए, डिजिटल इंडिया की नवी सीख, मन की बात जैसे संवाद उपक्रमों को द्वारा मोदी जी ने युवा वर्ग की समस्या पर युवा के साथ संवाद कर उनकी समस्या समझाने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। हम जब भी कोई समस्या उनके पास लेकर जाते हैं, वो हमेशा उस समस्या पर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इस बात पर जोर लगाते हैं। आज का दिन देश और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की प्रेरणा देने वाली हमारी राजमाता जिजाबाई की जयंती है और आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं दोनों को नमन करता हूँ। राजमाता जिजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को न सिर्फ स्वराज्य की प्रेरणा दी बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार दिए और इन्हीं संस्कार और मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजा और लोगों के स्वराज्य का निर्माण हुआ। आज राजमाता जिजाबाई के जन्म जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण अभियान की तरह नारी शक्तिदूत एवं का उद्घाटन हो रहा है। इसी ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो 2014 साल में मैं जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली तब उन्होंने जिस एक बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था वो बात थी नारी शक्ति का सशक्तिकरण और देश की माँ और बहनों के जीवन में बदलाव के लिए उन्होंने कई सारी परियोजना शुरू की। उज्ज्वला योजना इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला से महिलाओं के जीवन में उजाला लाने का काम हुआ है। आज यहाँ मुंबई शहर को रायगढ़ जिले के जोड़ने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अटल सागरी सेतु का उद्घाटन हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत का सबसे लंबा सागरी सेतु अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। इसमें देश की तरक्की के लिए देश का पैसा जोर से घूमना जरूरी होता है और पहिया जोर से घुमाने के लिए देश में कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का पूरा होना जरूरी होता है। मोदी जी के सरकार ने ऐसी कई सारी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कर देशवासियों को समर्पित किया है। आज मुंबई और दूसरी मुंबई के बाद तीसरी मुंबई यहाँ रायगढ़ जिले में बनने का जा रही है। इस तीसरी मुंबई को इस सेतु के निर्माण से काफ़ी मदद होने वाली है। रायगढ़ से मुंबई जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे दूरी अब सिर्फ 25 मिनट में पूरी होने वाली है। इससे ईंधन और कीमती का वक्त दोनों बचेगा। रायगढ़ वासियों के जीवन में इस सेतु के निर्माण के कारण कई सारे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। यह सेतु मुंबई जैसे महानगर को ग्रामीण भारत से जोड़ने वाला सेतु है। आज यही खारकोपर उरण रेलवे का मार्ग का और दीघा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद मोदी जी ने सरकार ने भारतीय रेलवे का चेहरा बदल दिया है। वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें अब भारत के हर कोने में दौड़ती नजर आ रही है। इसी से भारत के ट्रेन से सफ़र करने वाला आम आदमी का जीवन और सफ़र दोनों आसान हो रहा है। देश की आम आदमी के हित की बात सोचना, उसके लिए पूरे शिद्दत से पूरे जोर कोशिश करना और बदलाव लाना, ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देश को बदलने और आगे ले जाने के लिए खंबीर नेतृत्व की ज़रूरत होती है। मोदी जी ने हमारा देश को ऐसा ही नेतृत्व दिया है। आज हम सूर्य पानी की परियोजना का भी उद्घाटन कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, विज्ञान, कोई भी क्षेत्र हो, आज हर क्षेत्र में भारत देश नई राह पर चल रहा है। राजनीति में आपका लक्ष्य अगर साफ है
तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें देश के विकास के लिए और देश के आम आदमी के लिए काम करते रहना है। ये सीख हमने मोदी जी के कार्य से ली है। आज सुबह ही हम लोग नासिक में युवा महोत्सव का उद्घाटन कर आए हैं। हमारा भारत देश आज युवाओं का देश कहलाता है। आज भारत को नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में युवा वर्ग से जुड़े हुए पंत प्रधान मिले हैं। मोदी जी पूरे भारत में पहले ऐसे नेता है जिन्होंने युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पहचाना, युवा वर्ग के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी के सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे उपक्रम शुरू किए, डिजिटल इंडिया की नवी सीख मन की बात जैसे संवाद उपक्रमों को द्वारा मोदी जी ने युवा वर्ग की समस्या पर युवा के साथ संवाद कर उनकी समस्या समझाने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। हम जब भी कोई समस्या उनके पास लेकर जाते हैं, वो हमेशा उस समस्या पर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इस बात पर जोर लगाते हैं। आज भारत देश उनके सशक्त नेतृत्व के बल पर पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में आगे जा रहा है। हम राजनेता हमेशा अपने राजनैतिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, पर आदरणीय मोदी जी एकमात्र ऐसे राजनेता है जो युवा वर्ग से हमेशा संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारत देश में मोदी जी जैसे पंत प्रधान के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो भारत को दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा विश्वास है। आने वाले 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में महाराष्ट्र के राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अपना योगदान देगा, ये वचन मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने महाराष्ट्र राज्य की ओर से मोदी जी को और आज इस अवसर पर आप सभी को देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत को डिजिटल इंडिया के साथ साथ डायनामिक इंडिया में तब्दील किया है, और इसलिए आप सभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए इच्छुक है, इसीलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।